अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद सुहेब है। मिचना बासे आपको पता है, ताल्लुक रखता हूँ मैं। और जैसा कि आपको पता है कि दरसे निज़ामी के पेपर हो रहे हैं, तो दरसे निज़ामी के आखिरी जो 8वां साल है उसका पेपर था मंगल वाले दिन अबू दाऊद का। तो सीन ये हुआ है कि पेपर जब आया है तो उसके बाद वो फौरी लीक आउट हो गया। अब वो नहीं पता लग रहा कि वो किस बेसिस पर लीक हुआ है। खैर, मैं खराज तहसीन असल में पेश करना चाह रहा था खैरुल मुदारिस के जो मुतमम है मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, और मज़ीद उनके बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि उनके जो इकदाम थे वो बड़े मज़े के थे। अब उनको 10 बजे पता लग रहा है, ठीक है जी, उनकी एक मीटिंग पूरी होती है, ठीक है जी, कोर मीटिंग कह लें आप, उनके जितने भी उलमाए कराम थे। तो एंड पे जनाब उनका ये फैसला हुआ कि हम इस पेपर को तब्दील करेंगे। बात करने वाली ये है कि रात 10 बजे उनको पता लग रहा है। 10 बजे का टाइम आपको पता है, अभी थोड़ी सी लंबी रातें चल रही है, बहुत टाइम होता है। सुबह 10 बजे पेपर था, 12 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरह उन्होंने बेहतरीन दिखाया है कि जनाब वो पूरे का पूरा पेपर हो गया चेंज। अब वो जो पेपर था ना, वो किसी एक मदरसे का नहीं था या किसी एक जिले का नहीं था, किसी एक डिस्ट्रिक्ट कह लें या डिवीजन कह लें या प्रोविंस का कह लें, वो पूरे पाकिस्तान में सेम इट इज़ वही पेपर जाना था। वो चेंज हो गया। सोचने वाली बात है कि उनका नेटवर्क कितना अच्छा था, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यार पेपर देख ले चेंज करवा दिया। तो खैर, अब उनकी तो खराज तहसीन वाली बात आ गई, ठीक है जी, उनकी अजमत को सलाम है। लेकिन अब मैं बात यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि अब एक तालिबे इल्म है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मौलाना साहब को भी नहीं पता वो कौन है, वो कॉल कर कह रहे हैं हाँ जी हजरत जी आप बताएंगे पेपर कैसे लीक हो गया, ये क्यों हो गया, फलां हो गया, डिमकार। अब वो प्यार से ही बात कर सकते हैं, जिस तरह उनकी एक पर्सनैलिटी है, जिस तरह वो अपने एक अदब के लिहाज से बोलते हैं, तो लोग उनको ऐसी बातें भी करें तो उनको शर्म आनी चाहिए ख़ास तौर पर। बाकी वीडियो के एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये उनका काम बड़ा बेहतरीन था, और अल्लाह ताला हमारे उलमाए कराम को मज़ीद हमारे लिए बेहतरी का सबब बनाए। और लास्ट पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि PPSC का पेपर लीक होता है, FPSC का होता है, सिंध के तो पेपर्स का आपको पता ही है कि जनाब माँ के वडेरे का बेटा बैठा होता है और जनाब वो पेपर उसका कोई और हल कर रहा होता है। ऐसी और भी बड़ी जिंदा मिसालें हमारे इलाके की, बड़े बड़े लोगों की मिसालें, लेकिन हमारा काम है सिर्फ एक अच्छे चीज़ को प्रोवाइड करना, ना कि हम किसी को शख्सी तौर पर उसको जनाब क्रिटिसाइज़ करें। तो बात करने का मकसद ये है कि एक उलमा कराम, एक दीनी मदारिस का सिस्टम इस तरह अच्छा हो सकता है तो क्यों देर होती है जनाब? अगर किसी ने अप्लाई किया FPSC में तो वो 6-6 माह तक जनाब रिजल्ट का वेट करता है, ठीक है जी, उसके बाद बेचारे की इंटरव्यू की बारी आती है, फिर वहाँ पर जनाब कहते हैं जी सवाल कोई भी नहीं करते वो जनाब, वहाँ पे कह रहे होते हैं अच्छा तो क्या हाल है कैसे है, वो रिलेटिव सवाल तो कोई भी नहीं पूछेगा जो इंटरव्यू के लिए आए। अगला बंदा कहते हैं सर आप मुझसे रिलेटिव सवाल करें जो मेरे से रिलेटेड सवाल है। जब वो जनाब सवाल करने की बारी आती है तो वो कहते हैं जनाब ये सीट 15 लाख रुपए की है और इसका आप 15.5 लाख दे दें, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो वो हंस हंस के पागल हो जाते हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है मेरा कि सिस्टम को अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर सिस्टम अच्छा हो सकता है ना तो फिर सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस समाप्त।